भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनों से जन्मी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब प्रदर्शन रास नहीं आ रहे हैं। इसकी बानगी नरेला विधानसभा क्षेत्र में उस दौरान देखने को मिली जब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर मनीष सिसोदिया को गुस्सा आ गया। मनीष सिसोदिया नरेला विधानसभा में आयोजित उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, तभी कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर सिसोदिया को गुस्सा आ गया। पॉलिटिकल इश्यू बना रखा, राजनीति नहीं कर रहा हूँ बच्चों के नाम पे, यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा गांव में राजनीति नहीं करने आया, गांव वालों को नमस्कार करने आया हूँ जिन्होंने अपने जवान के हिसाब से सुशासन बनाया। मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी कह रहा हूँ, ये सब धरने प्रदर्शन की राजनीति छोड़िए, अगर धरना करना तो करिए, लेकिन बच्चों के साथ मेहनत करोगे आपको सरकार भी खुश होगी, समाज भी खुश होगा। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए दिल्ली सरकार को तानाशाह करार दिया है। हमसे बात तो नहीं की ना मुख्यमंत्री साहब ने, बात करते हमसे जब हम बताते हमारी अलीपुर की विजिट करो, कहाँ की विजिट करो, जब हम दिखाएंगे काम कैसा क्या नहीं है। सिसोदिया जी ने तो अपनी अपनी बात रख दी, हमारी तो सुने ही नहीं। ये बताओ इतनी तनख्वाह में हमारे बच्चे भी हैं, ना हमें छुट्टियां मिलती है ना कुछ, कोई भी, हम तो बीमार रहते तब भी आंगनबाड़ी खोलनी पड़ती है। ये इनके बेकार में आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। आप ये बताओ 9 से 4 बजे तक की हमारी ड्यूटी है, 5,000 में क्या हम इतना टाइम दे सकते हैं? हमारे भी अपने बच्चे, हमें भी अपना घर चलाना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता जैसे बोल के चले गए। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स और दिल्ली सरकार के बीच का विवाद अब खुलकर सबके सामने आ गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सैलरी के मुद्दे पर सरकार से नाराज हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार के मंत्री इस मुद्दे से निपटने के लिए आगे भी गुस्से का सहारा लेंगे या समस्या का समाधान करेंगे। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।